हेलो गाइस, गेमिंग इंपैक्ट के कॉर्नर वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज इस वाले वीडियो पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लैश ऑफ क्लैंस के नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है अक्टूबर में एक नया अपडेट आने वाला है। सो अक्टूबर आने में आप मतलब ज़्यादा टाइम ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक हफ्ता या फिर दो हफ्ता आप लोग बोल सकते हो सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है। सो उसके बाद यहाँ पे एक नया अपडेट देखने को हम लोगों को मिल जाएगा और ये अपडेट बहुत ही बड़ा होने वाला है आप लोगों को, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अपडेट होने वाला है। सो अभी देखने के बाद ये है कि कौन सा लीक्स आने बाकी है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग आज इस वाले वीडियो पे देखने वाले हैं कि कौन सा लीक्स आने वाले हैं। मतलब मेरे पास यहाँ पे कुछ लीक्स है, सो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि क्या क्या आने वाला है, आप लोग थोड़ा जान लेना वीडियो में। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है, आप लोग पूरा वीडियो देख लेना और आखिर में वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। सो चलिए बिना टाइम गए वीडियो की शुरू कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन है उसको ऊपर जाकर जल्दी से जल्दी क्लिक कर दो, जिससे कि आप लोगों को क्लैश ऑफ क्लैंस से रिलेटेड एक छोटे से छोटी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सो अगर अभी हम लोग यहाँ पे हॉलोवीन अपडेट के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ग्लोबल चैट रिमूव हो जा रहा है, जैसे कि ऑफिशियली अनाउंस हो गया। सो ग्लोबल चैट रिमूव होने के बाद क्या आएगा नया सिस्टम या फिर कुछ भी नया नहीं रहने वाला है। सो इसके बारे में मैंने पहले ही एक दो वीडियो मतलब एक वीडियो बनाया हुआ है, सो उसको जाकर देख लो, मे बी वो आ सकता है। ठीक है, सो उसके ऊपर मैंने 90% यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया है। सो अगर आप लोग नहीं देखे उस वाले वीडियो को तो जाके देख सकते हो। सो अभी एक और बात यहाँ पे मतलब बताया गया है, जो यहाँ पे नोटिस आया था हम लोग के न्यूज़ पे, सो इसमें बताया गया है कि एक नया रिक्वायर मतलब कुछ नया रिक्वायरमेंट सिस्टम आएगा हमारे क्लाइंट पे, मतलब कुछ नया तो सिस्टम आने वाला है क्लाइंट पे। ठीक है, सो वो क्या होने वाला है अभी इसके बारे में बात करें, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो इसी के साथ और भी कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, नया टाउनल 13 क्या आने वाला है अभी या नहीं, सो इन सब के बारे में आज बात करेंगे और कौन से नए इवेंट्स आने वाले, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत सारे इवेंट्स नहीं आ रहे। सो एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्लैन रिक्वायरमेंट्स जो सिस्टम नया आने वाले, सो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। सो अगर आप लोग नहीं देखा तो मेरे चैनल को विजिट करके आप लोग देख सकते हो। सो उसी के साथ यहाँ पे मतलब मेनली क्या होने वाले यहाँ पे, जैसे कि अगर मतलब सुपर सेल का सिर्फ क्लैश ऑफ क्लैंस गेम ही नहीं है, और भी बहुत सारे गेम्स है आप लोगों को पता है, जैसे कि ब्रॉल स्टार्स है, बूम बीच है, उसी के साथ यहाँ पे कुछ दिन पहले एक रश वॉर्स आया है। ठीक है, सो बहुत सारे गेम्स है हमारे मतलब सुपर सेल के। सो यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है, ठीक है, मतलब हो सकता है ऐसा कि मतलब बहुत से जो अलग अलग गेम्स हैं उसमें जो क्लैन होता है वो कैसे सिस्टम में होता है, आपका जो मतलब जो आपके बेस का लेवल होता है, मतलब आपका जो लेवल होता है उसी हिसाब से आप लोगों को क्लैन दिखाया जाता है, उसमें से आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है। सो आई थिंक ऐसा हो सकता है, मतलब सुपर सेल ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग जो उसके गेम्स है वहाँ से मतलब उसका कुछ सिस्टम यहाँ पे ला ले आ सकता है। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है और मैंने जो बताया वो भी हो सकता है। ठीक है, सो मतलब ये नया सिस्टम आ सकता है अभी यहाँ से। सो अभी बात करते हैं टाउनल 13 के बारे में। सो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि टाउनल 13 आने वाला है दिसंबर में, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया, कन्फर्म बोल दिया था। सो अभी क्यों आने वाला है उसके बारे में कुछ लोगों के पास यहाँ पे डाउट्स है, सो उसको मैं यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे टाउनल 13 दिसंबर में क्यों आने वाला है। सो टाउनल 13 हमारे पहले भी आ सकता था, मतलब यहाँ पे डेरियन रेडी था इसके लिए, मतलब बोल सकते हैं कि इसके लिए ऑलमोस्ट रेडी है सुपर सेल, बट यहाँ पे क्यों नहीं लॉन्च किया। देखो यहाँ पे ESL का फाइनल चल रहा है, सो ESL में अगर मतलब बीच में अगर हम लोग को यहाँ पे टाउनल 13 दे देता है, समझो कि जून जुलाई पे जो अपडेट आया कुछ दिन पहले उसमें अगर दे देता टाउनल 13, सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि यहाँ पे अक्टूबर में फिर से ESL का फाइनल है, आप लोगों को पता है। ठीक, अक्टूबर में ESL का फाइनल है, सो अगर टाउनल 13 आ जाता सो बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे टाउनल 13 को मैक्स आउट नहीं कर पाते, ऑलमोस्ट बहुत सारे प्लेयर्स नहीं कर पाते और यहाँ पे मतलब सब बेस यहाँ पे रश हो जाता है और यहाँ पे ESL में रश बेसिस यहाँ पे अलाउड नहीं है, सो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है आई थिंक। सो अभी इसके बाद मतलब अभी कब आने वाला है, सो दिसंबर में क्यों आने वाला है मैं बोल देता हूँ। ESL का जो फाइनल्स है, सो ESL यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा हम लोग के अक्टूबर पे एंडिंग तक, मतलब सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर पे हम लोग के ESL चलेगा, उसके बाद ESL ख़त्म हो जाएगा। सो इसके बाद हम लोग का अपडेट के लिए वो लोग फुल्ली रेडी रह सकते हैं। सो आई थिंक इसके बाद अपडेट आ जाएगा दिसंबर में, हम लोग को टाउनल 13 देखने को मिल जाएगा, और अगर दिसंबर मतलब 100% कंफर्म है कि दिसंबर में मिल जाएगा, और अगर किसी गलती से भी थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया सो हम लोग को जनवरी में या फिर मतलब नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में 100% मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे आप लोग को 100% क्लियर के साथ बोल देता हूँ कि दिसंबर में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, सो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक है, सो अभी बात कर लेते हैं इसके बाद की मतलब नेक्स्ट अपडेट पे कौन सा चीज़ आने वाला है। सो इसके बारे में मैं फुल्ली आप लोगों को पहले भी कुछ बोल दिया, सो अभी फिर से ठीक से यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट जो अपडेट आने वाले वो होने वाले हम लोग के अक्टूबर के फर्स्ट में, मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक पे मे बी आ जाएगा हम लोग का अपडेट, यही कहना है मतलब सुपर सेल का। ठीक है,
सो इसके बाद और कुछ कहने यहाँ पे, मतलब और क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट पे हम लोग को एक नया ऑब्स्टेकल आने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर साल यहाँ पे बहुत से नए ऑब्स्टेकल्स आते हैं हम लोग के, मतलब जैसे कि हर सीजन में, मतलब जो भी यहाँ पे नया अपडेट में कुछ कुछ मिलता है, जैसे कि विंटर अपडेट, उसके साथ यहाँ पे कुछ दिन पहले जो आया था सो वो वाला अपडेट, और उसके साथ यहाँ पे हॉलीवुड का जो अपडेट होता है इसमें भी हम लोग को अलग अलग यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स मिलता है नए नए, ठीक है। तो यहाँ पे हॉलीवुड के अपडेट में हम लोग को एक नया ऑब्स्टेकल देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने में। आई थिंक और भी बहुत ज़्यादा सुंदर करेंगे। उसी के साथ यहाँ पे जो हम लोग के पेड़ है, यहाँ पे पेड़ जो होते हैं ना गाइस, आप लोगों को पता है कि बश, उसके साथ यहाँ पे स्टक वगैरह वगैरह जो भी होता है सो वो सब के यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मतलब हर साल यहाँ पे हॉलीवुड पे सेम होता है। सो इस बार भी यहाँ पे सेम होने वाला है हम लोग के हॉलीवुड के अपडेट पे। सो वो सब, मतलब उन सब के मुँह यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अलग सा दिखने में लगेगा। सो ये भी एक बहुत ही बढ़िया बात होने वाला है। सो इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पे होने वाला है, जो हम लोग का नेक्स्ट सीजन चैलेंज का यहाँ पे स्किन आने वाला है। सो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो स्किन आने वाला है हम लोग का, किंग का स्किन आने वाला है। सो ये कौन सा स्किन हो सकता है? सो अब तक इसका मतलब जो पिक है, मतलब पिक्चर अब तक यहाँ पे लीक नहीं हुआ। सो मैं अभी आप लोग इसके बारे में नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी आप लोगों को गलत नहीं बोलने वाला हूँ, जो 100% होगा वही मैं आप लोगों को बोलूँगा। सो उसके बारे में अब तक मुझे नहीं मिला, सो मैं अभी आप लोगों को उसको दिखाना नहीं चाहता, कि कुछ भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं दिखाना चाहता। सो वो जो नया यहाँ पे आने वाला है हम लोग का किंग का स्किन, सो वो यहाँ पे कुछ हॉलीवुड से यहाँ पे रिलेटेड रहेगा। जैसे कि हॉलीवुड पर मतलब क्या होता है, जो पम्पकिन बर्बेरियन आता है उसके साथ यहाँ पे, मतलब जैसे कि नए नए सीजनल ट्रूप आते हैं, जैसे कि इस बार भी आने वाले कुछ एक नया सीजनल ट्रूप, जो कि मतलब लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे यहाँ पे पम्पकिन बर्बेरियन आया था, और उसके साथ आई थिंक यहाँ पे स्केल्टन जो आया था वो भी शायद आया था लास्ट टाइम, जाइंट स्केल्टन आई थिंक। हाँ, सो ये जो सीजन आता है, सो इस बार भी एक सीजनल ट्रूप आने वाला है। सो हम लोग का उसी के साथ यहाँ पे जो हम लोग का नया स्किन आने वाला है किंग का, सो उसमें भी मतलब हेलोवीन का कुछ यहाँ पे ऐड रहने वाला है। उसका जो थीम होने वाला है आई थिंक वो यहाँ पे हेलोवीन का होने वाला है, और उसका नाम मे बी यहाँ पे हो सकता है स्केल्टन बर्बेरियन या फिर पम्पकिन बर्बेरियन। सो ये दो हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इसी के साथ अभी बात करें तो और भी नए नए चीज़ के बारे में। सो अभी और क्या आ सकते हैं यहाँ पे इवेंट्स, ठीक है। सो जैसे कि आप लोग पता है बहुत दिन से यहाँ पे इवेंट्स नहीं आ रहे हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस पे, जैसे कि क्लैन गेम स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे इवेंट्स नहीं आया, क्लैन गेम्स खत्म होने का आया बट अब तक इवेंट्स नहीं आए, ठीक है। सो ये एक बहुत बढ़िया बात है, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, मुझे पता है, मुझे भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, इवेंट्स नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी मैजिक आइटम्स नहीं मिल रहा, कुछ भी यहाँ पे जेम्स वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो इसके लिए बहुत से प्लेयर्स यहाँ पे बोर हो रहा है, मुझे पता है। सो इसी के लिए नए नए इवेंट्स, बहुत से अमेजिंग इवेंट्स आने वाले हैं हमारे हॉलीवुड के अपडेट पे। सो मैं अभी उसके बारे में आप लोगों के साथ नहीं बात करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब यहाँ पे इवेंट्स का लीक मतलब कंफर्म हो जाए तभी मैं आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ इवेंट्स के यहाँ पे लीक आ गया है, ठीक है। सो मैं अभी आप लोग उसके साथ रिवील नहीं करना चाहता, बट मैं बोल देता हूँ कुछ यहाँ पे ट्रूप्स के इवेंट आने वाले हैं, उसी के साथ और भी कुछ नए नए इवेंट्स आने वाले हैं हमारे हेलोवीन पे, ठीक है। सो मैं अभी नहीं बोलने वाला हूँ, बाद में अपकमिंग वीडियोस में उस सब के बारे में बात करूँगा। सो गाइस क्या करो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अभी से अभी लाइक कर दो, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाओ हमारे गेमिंग एम्पायर फैमिली के नए मेंबर। सो आज के वीडियो के लिए इतना, आई होप आप सभी लोगों को ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा जल्दी से लाइक करो, और मुझे कॉमेंट वाले सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को कौन सा नया इवेंट चाहिए हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस, मतलब कौन सी चीज़ का इवेंट चाहिए, ठीक है। सो और यार कुछ नहीं बोलना चाहता, मतलब अपकमिंग वीडियोस, मतलब नेक्स्ट वीडियो पे और भी अपडेट के रिलेटेड पे बात करेंगे, यहाँ पे और भी कुछ लीक्स है उन सब के बारे में अपकमिंग वीडियोस पे बात करेंगे, क्योंकि अगर अभी बात किया तो बहुत बड़ा वीडियो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, मुझे लग रहा है यही। सो और अभी यहाँ पे नहीं बात करने वाला, अपकमिंग वीडियोस पे बात करेंगे। सो गाइस जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट वाले सेक्शन में जरूर बताओ कि आप लोगों को कौन सा नया ट्रूप का यहाँ पे इवेंट देखना है, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।